हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू गाइस। दिस इज वेद, स्वागत है आप सभी का। हाउ आर यू ऑल, क्या हाल चाल बच्चों? कैसे चल रहा है जीवन? ऑल गुड? हेलो गाइस, हेलो। ओके सो गाइस, दिस इज आवर सिक्स्थ लेक्चर ऑफ काइनेमेटिक्स इन 1D। हेलो आयुष, गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून रूबी। हेलो सोनाक्षी, आई एम नॉट लेट, मैं लेट नहीं हूँ। गुड आफ्टरनून वैष्णवी, आई एम गुड, सोहेब आई एम गुड, आई एम ग्रेट। हेलो रिशिता, ओके गुड आफ्टरनून चंदन, सूरज, तुषार, विवेक रंजन, राम राम विवेक रंजन, आई होप यू गाइज आर डूइंग ग्रेट। हेलो क्षितिज, और बताओ बच्चों, क्लासेस को मिस किया या नहीं किया? सच सच बताना, क्लासेस को मिस किया या नहीं किया? ओके कल का बताया था सूरज कि कल मैं लीव पे था, एक्चुअली मैं कहीं गया हुआ था। बता यार, देखो तुम लोगों में बता के जाता हूँ, फिर भी पूछते हो कहाँ थे। मैं क्लासेस जब मैंने लास्ट क्लास ली थी तभी मैं आपको बता के गया था, आप लोगों को सारी डिटेल्स दे के गया था मैं, फिर भी ऐसे कर रहे हो, ऐसे कैसे आवाज नहीं आया बेटा रूबी, ऐसे कैसे आवाज नहीं आया? गाइज लास्ट क्लास में क्या वॉइस नहीं आया था आप लोगों को? हेलो गीत, नरेश, बस बेटा आज से सब कुछ रेगुलर है, आज से आप लोगों की सारी क्लासेस रेगुलर हो जाएंगी। तो एक बार आप सेशन के लिंक को शेयर कर दो, ठीक है? आज से सब कुछ आज से सब कुछ रेगुलर हो जाएगा। एंड वन मोर थिंग बच्चों, कल मैं आपको बता देता हूँ, कल आ रहा था, ओके दैट्स गुड। सो गाइस कल आप लोगों को ग्राफ पढ़ाएंगे, कल और परसों ग्राफ पढ़ने वाले हैं, ठीक है? उसके बाद रिलेटिव मोशन है, रिलेटिव मोशन के बाद हमारा रिलेटिव मोशन के बाद हम प्रोजेक्टाइल की दो क्लासेस होंगी, तो मैं सारी डिटेल्स आपको फिर से शेयर कर दूंगा कि किस दिन कौन कौन सा लेक्चर आप लोगों का होने वाला है। ओके कल ही मैं आपको फिर से, आज ही मैं ग्रुप्स पे दोबारा शेयर कर दूंगा। राम राम जंगराज। तो चलो बच्चों शेयर करते हैं, ठीक है बेटा? बाकी बच्चे तो बोल रहे हैं कि उनको आया था सोनाक्षी। चलो आ जाओ, शुरू करते हैं फिर, लेट्स स्टार्ट नाउ। आप लोगों ने इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लिया होगा, नहीं किया है तो कर लेना। PDF आपको यहाँ पे मैं शेयर करता हूँ, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है? इसके अलावा बच्चों आई होप आप लोगों ने इस प्रोफाइल को अनअकैडमी ऐप पे फॉलो कर लिया, अगर नहीं किया है तो कर लेना। यहाँ पे आपकी स्पेशल क्लासेस और जनरली DVP डिस्कशन आपका यही होता है। नाउ द नेक्स्ट वन, लेट्स टॉक अबाउट दिस बैच। सो गाइस दिस इज ऑल स्टार बैच क्रैश कोर्स फॉर नीट 2021। तो जो भी 2021 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए हमने क्रैश कोर्स स्टार्ट किया, ठीक है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये देख सकते हो बायोलॉजी की फैकल्टीज है, तो ये सब मिलके इस कोर्स को लॉन्च कर रहे हैं। तो ये कोर्स आपका 23rd of June से स्टार्ट हो रहा है, तो जो भी आप में से इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स है वो इसमें एनरोल करा सकते हैं। एंड गाइज लेट्स टॉक अबाउट संपन्न बैच फॉर क्लास 12th एंड नीट 2022। ये भी आपका 23rd of June से स्टार्ट हो जा रहा है बच्चों, ओके? एंड दिस वन इज क्रैश कोर्स ऑन बायोलॉजी, 23rd June से ये क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है। आनंद सर इसको लेने वाले हैं, ठीक है? ये 2021 के लिए बच्चों। And this is Pariksha batch for, this is for 2023. ये भी 23rd of June से start होने जा रहा है बच्चों. Okay? Now, the next one guys, let me tell you one of the important offer for you. This is limited time offer for NEET UG aspirant. So guys, subscribe to Unacademy Iconic for NEET UG and get Unacademy study notes. तो अगर आप अनअकैडमी के आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन को अगर आप लेते हो तो अनअकैडमी स्टडी नोट्स जो है उसकी डिलीवरी आपके डोर स्टेप पे की जाएगी। आपको अनअकैडमी का जो स्टडी मटेरियल है वो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, बट ये ऑफर 21st of June से 30 जून तक वैलिड है। तो जो भी आप में से इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं जिनको अनअकैडमी नीट का स्टडी मटेरियल चाहिए, तो अगर वो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो बच्चों 21 से 30 जून तक ये ऑफर वैलिड है, तो उनको हम उनको जो ये मटेरियल है उनके घर तक हम डिलीवर करेंगे, ओके? नाउ एंड गाइस लेट मी टॉक अबाउट अनअकैडमी नीट यूजी सब्सक्रिप्शन। ये आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का देख सकते हो, ये 24 मंथ्स, 18 मंथ्स, 12 मंथ्स एंड 6 मंथ्स के लिए अवेलेबल है। तो जो भी आप में से इंटरेस्टेड स्टूडेंट है वो इसमें ले सकता है सब्सक्रिप्शन। एट द एंड आपने क्या करना है, यहाँ पे
कोड यूज करना है वेद टू गेट 10% डिस्काउंट। अगर आप इस कोड को यूज करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। प्रोसीड टू पे पे आपने क्लिक करना है, ठीक है। तो ये है इसका अनअकैडमी नीट यूजी का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। नाउ द नेक्स्ट वन गाइज, अनअकैडमी नीट यूजी प्लस सीबीएसई का कॉम्बो सेल मैं आपको हमेशा ही बताते आ रहा हूं। इसके अलावा नीट यूजी बंपर है 3 मंथ्स के सब्सक्रिप्शन, अगर आप लेते हैं तो 1 मंथ का आपको फ्री मिलेगा, 12 मंथ्स में 2 मंथ्स का एक्स्ट्रा बेनिफिट और 24 मंथ्स में आपको 3 मंथ का एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। And now guys, let's talk about NEET UG plus subscription. Plus subscription आपको पता ही है, 3 months, 1 month, 3 months, 6 months, 12 months, तो अगर आप ज्यादा महीने के लेंगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। एट द एंड रेफरल कोड में आप ये वेद यूज करना। आई होप आप लोगों को कोड तो अब ध्यान हो ही गया होगा बच्चों। और फिर प्रोसीड टू पे पे आपने क्या करना है, क्लिक करना है। एंड गाइज, डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म पड़ा होगा, जिनको भी फाइनेंशियल असिस्टेंस की जरूरत है वो इस फॉर्म को फिल करना, फिल कर सकते हैं, हमारी टीम आपसे बात करेगी। ओके एंड गाइज, स्कॉलरशिप टेस्ट हर संडे होता है, मैं आपको कितने टाइम से बोलते आ रहा हूं, स्कॉलरशिप टेस्ट देके देखो। अनलॉक करने के लिए आप इस कोड को यूज करना वेद, ठीक है। तो इसमें जो टॉप 3 विनर्स होते हैं उनको हम 100% स्कॉलरशिप देते हैं और बाकी 150 विनर्स को एडिशनल डिस्काउंट देते हैं। सो अब आप जल्दी बता दो, अगर आप लोग रेडी हो तो फिर आज का लेक्चर शुरू करते हैं। रेडी एवरीवन? राधे राधे अर्जुन। सो गाइज जल्दी से बताओ, अगर आप लोग रेडी हो तो फिर शुरू करते हैं। एंड गाइज, सेशन के लिंक को शेयर कर दो यार। आई कैन अंडरस्टैंड बच्चों के बीच में दो तीन दिन क्लासेस नहीं हो पाई, बट इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसके बाद आप लोग रेगुलर नहीं रहोगे यार। एक दो दिन की दिक्कत किसी को भी हो सकती है यार, टीचर्स को भी होती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि टीचर्स 365 डेज रेगुलर रहते हैं, बीच में कभी ना कभी इशू आ जाता है तो उन दिनों में क्लासेस नहीं हो पाती है। तो ऐसा नहीं है कि वो आपके लिए खराब हुआ, उसमें आपको पुराने जो भी चैप्टर्स आपको पढ़ाए थे उसका आपको रिवीजन करना था, ठीक है। एंड बहुत से बच्चों ने रिवीजन किया भी, उन्होंने मुझे पर्सनली मैसेज भी किया कि सर हमने ये चैप्टर्स रिवाइज कर लिए 2-3 दिन में। तो ऐसा नहीं होना चाहिए बच्चों की टीचर ने अगर 2 दिन क्लासेस नहीं ली तो इसका मतलब ये है कि फिर आप क्लासेस अटेंड करना छोड़ दोगे। दिस इज नॉट फेयर यार। यस यस और नो गाइज? सो अपने ग्रुप्स पे, जिन भी ग्रुप्स में एडेड हो, जहां भी आप एडेड हो, सेशन का लिंक को शेयर कर दो और बता देना कि कल से हम ग्राफ स्टार्ट कर रहे हैं। तो कल और परसों हम ग्राफ स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। आई डोंट थिंक सो रिपांकर की वो फ्री में अवेलेबल होगा, अगर होता तो फिर ऑब्वियसली फिर उसके चार्जेस नहीं होते ना। चलो शुरू करते हैं बच्चों, आ जाओ। सो गाइज, लास्ट क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था अगर मैं आपको बताऊं तो हमने तीनों चीजें पढ़ ली थी। क्या पढ़ा था? इफ ए बॉडी ड्रॉप फ्रॉम सम हाइट, किसी बॉडी को किसी हाइट से जब हम नीचे गिरा देते हैं, जैसे किसी हाइट से किसी बॉडी को गिरा दोगे, तो ये वाला केस हमने देख लिया था। हमने ये भी देख लिया था किसी हाइट से बॉडी को जब आप किसी डाउनर डायरेक्शन में किसी इनिशियल वेलोसिटी से आप थ्रो करते हो। देखो, एक तो ये हमने क्या किया था, ड्रॉप करने वाला देखा था, एक हमने किसी यू वेलोसिटी से आप नीचे थ्रो कर रहे हो, ये वाला केस देखा था। और तीसरा हमने केस क्या देखा था, इफ बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, या फिर जब किसी बॉडी को ऐसे ऊपर आप जब प्रोजेक्ट करते हो, ठीक है। तो क्या ये तीनों केसेस हमने लास्ट क्लास में देख लिए थे? यस और नो? ये तीनों के तीनों केसेस कर लिए थे? अरे यार, कर तो लिया था। जब किसी हाइट से आपने ऑब्जेक्ट को नीचे ड्रॉप किया था, बाबू ऐसे ड्रॉप किया था, तो कितना टाइम लगा उसको नीचे आने में, कितना उसको, कितनी वेलोसिटी से ग्राउंड को हिट किया, क्या ये सारी चीजें नहीं निकाली थी हमने? सिमिलरली बच्चों, अगर आपको ध्यान हो तो हमने ये वाला भी देखा था, इफ बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड, जब सेकंड केस में आप बॉडी को किसी यू वेलोसिटी से ऐसे नीचे थ्रो करते हो, ये वाला केस भी हमने देखा था। गुड आफ्टरनून आद्या। और उसके बाद हमने देखा था किसी बॉडी को जब आप यू वेलोसिटी से ऊपर प्रोजेक्ट करते हो, तो उससे रिलेटेड सारे केसेस हमने देख लिए थे, ठीक है। तो ये सब चीज हमने देख लिया था, अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। कुछ और भी इंटरेस्टिंग चीजें हम डिस्कस करेंगे आज के इस लेक्चर में। तो चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्वेश्चन में क्या दिया है, ए स्टोन इज ड्रॉप्ड अपवर्ड विद स्पीड यू फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर रीचेस द ग्राउंड विद ए वेलोसिटी 3u। मतलब क्या बोला है कि आपने किसी टावर से किसी ऑब्जेक्ट को यू वेलोसिटी से ऊपर थ्रो किया है, ठीक है। अब वो जब जमीन पे हिट कर रहा है तो कितनी वेलोसिटी से हिट कर रहा है, 3u से हिट कर रहा है। तो आपसे ये पूछा है कि बता दो उस बिल्डिंग का, वो जो टावर था उसका हाइट क्या होगा, दैट्स व्हाट यू नीड टू कैलकुलेट। अगर आप ध्यान से देखोगे तो, चलो मैं थोड़ा डायग्राम बता देता हूं, उसके बाद आप इसे ट्राई करो और देखो आपका आंसर यहां पे क्या आएगा, ठीक है बच्चे। ओके, अब जरा आप ये बताइए कि यहां पे आपने इस बॉल को ऊपर लिया और यू वेलोसिटी से इसको ऊपर प्रोजेक्ट किया, अभी ऐसे जाएगा टिंग टिंग, फाइनली ऐसे नीचे गिरना स्टार्ट करेगा वो, भाई साहब नीचे ऐसे गिरेगा। और बच्चों जब ये नीचे गिरेगा तो ये किसी 3u वेलोसिटी से गिर रहा है अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, एंड द हाइट ऑफ दिस बिल्डिंग इज लेट्स से h। तो हमें इस h की वैल्यू निकालनी है कि भाई ये जो टावर था इसकी हाइट क्या थी, तो बताओ जल्दी से। चलो बच्चों स्टार्ट जाओ। ओके सो गाइस, बताओ इसका आंसर क्या आएगा। आपने क्या किया कि टावर पे चढ़ के
देखिए टावर का हाइट आप एच ले लो या फिर किसी बिल्डिंग को मान लो, उस पर आपने किसी ऑब्जेक्ट को यू वेलोसिटी से ऊपर थ्रो किया है, अब वो 3U से जमीन पे गिर रहा है, 3U से ग्राउंड को हिट कर रहा है बच्चों, तो आपको ये फाइंड आउट करना है कि यार उस बिल्डिंग की जो हाइट थी वो कितने है। That's what we need to calculate the height of the building. Yes or no, everyone? Okay, you guys are saying option D. Rupankar का B आ रहा है, ठीक है? What about other students? Okay, Soheb का D आ रहा है, Anushka का D आ रहा है. Okay, चलो ठीक है. Okay, that's cool. Tejas का D. तो मतलब ज़्यादातर students का D आ रहा है ना, चलो. अब जैसे ये बताओ, मैंने आपको क्या बोला था यार, ऐसे केसेस में जब ऊपर थ्रो कर रहा है तो हम ऊपर वाले डायरेक्शन को क्या मान लेते हैं, चलो पॉजिटिव मान लिया, नीचे वाले डायरेक्शन को नेगेटिव मान लिया, ओके यही तो किया, तो बताओ u की वैल्यू क्या होगी, प्लस u क्योंकि आपने ऊपर थ्रो किया, फाइनल वेलोसिटी माइनस 3 होगी क्योंकि वो नीचे की तरफ है फाइनल वेलोसिटी, और आपको पता ना कि हर एक पॉइंट पे एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होता है, नीचे की तरफ तो माइनस जी, यही तो होगा। और बताओ जरा डिस्प्लेसमेंट बताओ किधर है, ये बताओ आपका ऑब्जेक्ट, देखो आपका ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है, तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन कहां है, नीचे की तरफ है, तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा आपका, माइनस एच होगा, तो निकाल दो, क्या ये लगा दो, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2AS। सर आपने ये वाली इक्वेशन क्यों लगाई, क्योंकि बाबू यहां पे टाइम दिया नहीं था, टाइम से मतलब भी नहीं है, तो v की जगह क्या लिख दूं, ओहो माइनस 3u का होल स्क्वायर, इसकी जगह u स्क्वायर और a की जगह माइनस g और डिस्प्लेसमेंट माइनस h हो गया, ओके ये कितना आ गया 9u स्क्वायर, ये हो गया u स्क्वायर और ये क्या हो गया 2gh, तो कितना आ गया बाबू 8u स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, यही तो आ गया। ओहो जरा देख लो बच्चों, कोई गड़बड़ कोई दिक्कत कोई इशू तो नहीं है यहाँ पे, हमें टावर का हाइट निकालना है गाइस, ये 3u सही है, 3u का स्क्वायर, क्या ये u का स्क्वायर होगा, तो 9 में से u गया 80 तो आएगा, अब जरा देखोगे तो क्या हो गया 8u स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, तो गाइस निष्क्रम निष्क्रम 4 हो गया, तो h की वैल्यू कितनी आ गई 4u स्क्वायर बाय g। तो यार आप लोग ये बताओ कि आप लोगों ने आंसर, ये अतरंगी सा आंसर आप लोगों ने डी कैसे निकाला, बहुत कम बच्चे हैं जिन्होंने बी बोला, बहुत रेयरली 3 से 4 स्टूडेंट्स थे जिन्होंने बी बोला, बाकी सब लोगों ने डी बोला, ऐसा क्यों, ऐसा ऐसी गलती कैसे करके बैठ गए, कितना आ रहा है बच्चों, ये इतना आ रहा है, नहीं आ रहा आप लोगों का 4u स्क्वायर बाय g, तो ये आप लोग डी कैसे बोल रहे थे यार, मुझे समझ में नहीं आया डी कहां से आ रहा था आप लोग का, जल्दी से बताओ बच्चों, क्लियर है, डन है, आगे चले। गाइस ये क्लियर है, जल्दी बताओ। ओके फाइन, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप लोग ध्यान से रीड करो, और आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो कि इस क्वेश्चन में आपने क्या गलती की है, ठीक है बच्चों, गलती क्लियर है ना कि कैसे आपने क्या यहां पे गलतियां की है, ठीक है? चलो आ जाओ, आपका स्पीड वी एंड यू सेम ही दिखता है बेटा, वी और यू कैसी बात कर रहा है बेटा, एक थ्री यू है एक यू है, ठीक है? तो V और U कहां से दिख रहा है, ठीक है कोशिश करूंगा और अलग से बनाऊं मैं, ठीक है? चलो इस क्वेश्चन को करो, इस क्वेश्चन को ट्राई करो बच्चों, सब लोग जल्दी से बाबू, चलो इस क्वेश्चन को ट्राई करो, देखो इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या आ रहा है, एवरीवन क्या दिया है, स्टोन इज ड्रॉ फ्रॉम ए टावर टचेस द ग्राउंड इन 4 सेकंड, द हाइट ऑफ द टावर इज अबाउट, क्या पूछा है बताओ। गुड आफ्टरनून रमिता, गाइस ये बताओ आप किसी टावर से किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर रहे हो, बाबू किसी टावर से किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर रहे हो, 4 सेकंड में वो जमीन पे आ जा रहा है, तो टावर की हाइट पूछिए आपसे, देखते हैं कितने बच्चे आंसर कर पाते हैं, यार आंसर निकालो ना यार, कैसी बातें कर रहे हो, इतना टाइम लगा रहे हो, पहला क्वेश्चन दिया है 90% स्टूडेंट्स ने पहला ही गलत कर दिया, अब दूसरा दिया है इसको तो सही से करके दिखाओ। गुड आफ्टरनून रोशन, प्रणव का आंसर ए आ रहा है, ठीक है? व्हाट अबाउट अदर स्टूडेंट्स, प्रणव का ए आ रहा है, दीपक का 160, दीपक का डी आ रहा है मतलब, ओके ओके, ऋषि का ए आ रहा है, अर्जुन का ए है, सुमित का ए है, कार्तिक का बी आ रहा है, ओके 80 होगा, रमिता का बी आ रहा है, कार्तिक विशाखा सुमित, चलो ठीक है कार्तिक, ओके चलो गाइस ट्राई कर रहे हैं, आप लोग देखना आपका आंसर मैच कर रहा है कि नहीं। ओह स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम ए टावर, तो चलो सबसे यार जब भी ऐसे क्वेश्चन आए ना सिंपल से छोटा सा रफ डायग्राम बना लिया करो, ठीक है? इससे क्या होता है ना कि थोड़ा क्वेश्चन और क्लैरिटी आती है माइंड में, गलती होने के चांसेस और कम होते हैं। देखो आप यहां से किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर रहे हो, ड्रॉप करने का मतलब समझ गए ना, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, इसकी हाइट हम क्या ले ले एच ले लेते हैं, अब जरा बताओ, अब जरा ये बताओ कि नीचे गिर रहा है, तो अब नीचे वाले डायरेक्शन सब कुछ नीचे है, तो नीचे वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लो, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, प्लस एच है, और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन नीचे होता है तो प्लस जी होगा, ठीक है? यू की वैल्यू 0 दी है, और बताओ कितने टाइम में पहुंच रहा है, वो पहुंच रहा है 4 सेकंड में,
ठीक है, वो कौन जा रहा है नीचे 4 सेकंड में। तो अब हमें टाइम टाइम दिया हुआ है और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है हाइट निकालना है। तो ये वाला लगा होगा ना s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि आपको खुद आइडिया लग रहा होगा s कितना है, h है, u कितना है, 0 है, a कितना है आपका g होता है, तो g लिख दो, और ये कितना है आपका t स्क्वायर। तो गाइस t इज इक्वल टू रूट अंडर 2h बाय g। अगर आपको फॉर्मूला याद था तो आप फॉर्मूला से ही पुट कर देते, लेकिन आप बताओ आपको तो टाइम दिया हुआ है, आपको तो हाइट निकालना है ना, यस और नो। तो देखो h ये 1/2, g की जगह 10 ले लो और हाइट टाइम की जगह कितना 4 सेकंड का होल स्क्वायर, तो कितना आ गया ये h आ गया 5 और ये 16, 80 मीटर आ रहा होगा। तो यार ये 80 मीटर आ रहा है तो dd क्यों कर रहे थे बेटा, ये 80 का मतलब एक आ रहा, a आ रहा है ना आंसर, बच्चों a ऑप्शन आ रहा है नहीं आ रहा है, जल्दी से बता दो एक बार, इज इट मैचिंग और नॉट बच्चों, क्या a आंसर मैच कर रहा है आप लोगों का, आसान से क्वेश्चन था, यस और नो, एवरीवन कम ऑन से समथिंग गाइस, ए आंसर आया नहीं आया, अरे यार ऐसे कर रहे हो, मतलब यार मैं 2-3 दिन तुम लोगों से रेगुलर मिला नहीं, तो तुम लोग तो भूल ही गए यार मेरे को, ऐसे कैसे चलेगा भाई, क्या मैं 1-2 दिन की छुट्टी नहीं कर सकता, ठीक है चलो गाइस क्लियर है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। ओके ओके चलो आगे चलते हैं, ओके इज नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए इस क्वेश्चन को ट्राई करो बच्चों, एवरीवन ट्राई दिस वन, कम ऑन एवरीवन डू इट फास्ट, चलो ट्राई करो ट्राई करो, बहुत बढ़िया ओम साई। ओके सो गाइस क्या दिया, बॉडी इज रिलीज फ्रॉम ए ग्रेट हाइट एंड फॉल्स फ्रीली टुवर्ड्स द अर्थ, Another body is released from the same height exactly 1 second later. Later, the separation between the two bodies, the two seconds after the release of the second body. बताओ क्या होगा? जल्दी से बताओ बच्चों क्या रहा है इसका आंसर? Everyone, come on. Okay, Nandini. Okay, everyone, just try to solve it. Come on, everyone. You need to find out here the separation between the two bodies. Okay, the 2 seconds after the release of the second body. Come on, everyone. Aaya kisi ka answer? Ramita is saying option C. Okay, that's cool. That's great. What about other students? Come on, everyone. Do it fast. Do it. Okay, so we're saying C. Achha, to ab hum... Okay, C. I think most of the students are saying option C. According to... Okay, most of the students are saying option C is correct. Okay. Okay, let's see. Let's start now. Let us discuss whether we are getting C option or not. So guys, first of all, we are talking about two bodies. Okay, so let's say here the height of the building is H. Okay, maan lo H height se aapne isko kya kiya hai, drop kiya. Okay, and guys, whenever we are dropping something, from a certain height, so initial velocity of that object is 0. A is what? Plus G, because we are taking downward direction as a positive. Okay, and let's say displacement is s. Okay, my dear students, so now s is equal to ut plus half at square. Na? Okay, so s1, let's say for first body, this is s1. So 0, 1 by 2, gt1 square. Let's say time is t1. So guys, for first body, s1 is what? 1 by 2 gt1 square. So t1 time, pehle body ka displacement kya hoga? S1. What about in for second body s2 is what? 1 by 2 tt square. So guys, pehli wali body kitna niche aa gayi hai? 1 by 2 gt1 square t1 time mein. Second body niche kitna aa gayi hai? 1 by 2 gt2 square. And what we have to do? We have to find out the separation between them, ki dono ke beech ka gap kya hai. To chalo bachcho ab batao, ab dono ke beech ka gap nikalna hai, to kya karo? S1 mein se s2 ko ghata do. To delta s ki value dekho, s1 kitna aayega? 1 by 2 g t1 square, और इसका आ गया 1 by 2 g t2 square. अब जरा बताओ इसमें से 1 by 2 g common ले लो. अब हमें t1 और t2 देखना है कि पहली वाली body के लिए time क्या है, दूसरी वाली body के लिए time क्या है. देखो पहली वाली body को जब आपने release किया उसके 1 second बाद, देखो another body is released from the same height exactly 1 second later. तो आपने जब पहली वाली body को गिराया t is equal to 0 पे, उसके 1 second बाद आपने दूसरी वाली बॉडी को नीचे गिराया है, ठीक है भाई, मतलब पहले वाली बॉडी 1 second पहले गिर चुकी है, ठीक है ठीक है ठीक है. अब क्या बोल रहा है, द सेपरेशन बिटवीन द टू बॉडीज 2 seconds after the release of the second body. तो जब सेकंड वाली बॉडी को गिरा दिया उसके 2 second बाद, गाइज जब आपने दूसरी वाली बॉडी को नीचे गिरा दिया उसके 2 second बाद कितना दोनों के बीच में गैप था. तो बच्चों अगर दूसरी वाली बॉडी को 2 second है तो पहले वाली बॉडी के लिए टाइम कितना हो जाएगा, 3 second हो जाएगा, क्योंकि पहली वाली बॉडी 1 second पहले ही गिर गई थी.
अरे यार ये बताओ, आपने पहली बॉडी गिराई ओके, उसके एक सेकंड बाद आपने दूसरी बॉडी गिराई ओके, अब दूसरी बॉडी जब आपने गिराई उसके दो सेकंड बाद, तो मतलब दूसरी वाली बॉडी को टाइम कितना लगा, दो सेकंड, लेकिन पहली वाली बॉडी को तो एक सेकंड ज्यादा लगेगा क्योंकि वो एक सेकंड पहले गिर गई थी ओके। तो अब बस यहाँ पे टी वन और टी टू की वैल्यू को पुट कर दीजिए, तो वन बाय टू जी की वैल्यू को 10 ले लिया और टी वन पहली वाली बॉडी के लिए टाइम कितना हो जाएगा, 3 सेकंड होगा, और दूसरी वाली बॉडी के लिए टाइम कितना होगा, वो 2 सेकंड होगा। तो ये कितना आ गया 5, ये कितना आ गया 9 माइनस 4, तो कितना आ गया, ये आ गया 25। गाइस 25 आ रहा है, 25 के आसपास कौन सा आंसर है, 24.5, तो हमारा आंसर क्या होगा 24.5। ऐसा इसलिए हुआ बाबू क्योंकि क्वेश्चन में जो ऑप्शंस दिए हैं उन्होंने जी की वैल्यू को 9.8 लिया है, उन्होंने जी की वैल्यू को 9.8 लिया, इसीलिए उनका उनका आंसर आ रहा है 24.5। हमने जी की वैल्यू 10 ली है इसलिए हमारा आ गया 25। तो सबसे पास में 25 के कौन सा है, 24.5, तो इसीलिए जो करेक्ट आंसर होगा बाबू वो ऑप्शन डी होगा। आया या नहीं आया बता दो बच्चों। गाइस एक क्वेश्चन समझ में आया, यस एग्जैक्टली महिमा, डी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है यार आप लोगों को आंसर सी कैसे आ रहा था यार, मतलब आप कैसे कर रहे हो, इतनी ज्यादा गलतियां कैसे करो, मुझे तो ऐसा फील आ रहा है कि आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे प्रैक्टिस कराने पड़ेंगे क्योंकि कंसेप्ट लग रहा है आपने इधर उधर कर लिया दो तीन दिन में ही। ठीक है, आई डोंट नो गलतियां क्यों कर रहे हो इतनी ज्यादा आज के लेक्चर में। चले हेलो यतेंद्र, चले आगे बाबू, ओहो बाबू बताओ चल आगे। ओके गाइस डन डन डन, हाँ सुमित तो यार तुक्का नहीं मार रहा है यार, फिजिक्स में तुक्का मारोगे तो कैसे काम चलेगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके द्विभुवन सज्जनो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक बात मैं और बता देता हूं, यहाँ ऑप्शंस लिख देता हूँ, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप था, ये थर्ड स्टेप था, ये हमारा फोर्थ स्टेप था। चलिए आइए इस क्वेश्चन को ट्राई करो बच्चों, जरा देखो क्या दिया है। ए पार्टिकल इज ड्रॉप्ड अंडर ग्रेविटी फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम ए हाइट एच एंड इट ट्रेवल्स ए डिस्टेंस दिस इन द लास्ट सेकेंड, देन वॉट इज द हाइट। ठीक है गाइस फिर से देखो, आपने पार्टिकल को ड्रॉप किया है किसी बिल्डिंग से, ठीक है, जिसकी हाइट h थी। अब बोल रहा है कि जो लास्ट सेकंड है उसमें वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, 9h/25। तो पूछा है h की वैल्यू बता दो, मैं आपको डायग्राम बना दे रहा हूं, फिर आप लोग उसे ट्राई करो और बताओ आपका आंसर कितना आ रहा है। यहां से ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर रहे हो तो U की वैल्यू क्या होगी बाबू, जीरो होगी ना। अब आपको ये पूछा है कि लास्ट सेकंड, जो अंतिम सेकंड का मतलब बच्चों लास्ट सेकंड जो है ना वहां पे वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, 9h/25। तो आपको ये पूछा है कि फाइंड आउट कि h की वैल्यू क्या होगी, ट्राई करो यार तुम लोग यार देख लो ऐसे कर रहे हो, बताओ ना कैसे, ट्राई तो करो बच्चो, ट्राई करोगे यार तभी तो आएगा। अब क्वेश्चन से भागोगे तो थोड़ी जीवन चलेगा। आया किसी का आंसर, कम ऑन एवरीवन। ओके शुभम का बी आ रहा है, और व्हाट अबाउट अदर स्टूडेंट्स, ओके व्हाट अबाउट अदर स्टूडेंट्स, कम ऑन एवरीवन। ओके शोएब का आंसर डी आ रहा है बेटा, अनुष्का इस क्वेश्चन में आपको ये दिया है। ओके ओके शो गाइस, इस क्वेश्चन में ये दिया है कि किसी ऑब्जेक्ट को आपने एच हाइट से गिराया, ओके आ रहा है नीचे आ रहा है नीचे आ रहा है नीचे आ रहा है नीचे आ रहा है, लेकिन लास्ट सेकंड में, लास्ट सेकंड का मतलब समझ लो कि मान लो नीचे आने में 5 सेकंड लगे, तो लास्ट सेकंड का मतलब क्या हुआ बाबू, लास्ट सेकंड का मतलब क्या हुआ, पांचवा सेकंड, यस और नो। अब जैसे देखो देखो देखो, अब मैं चलो मैं करता हूं, टेंशन क्यों ले रहे हो यार, मैं हूं ना, टेंशन क्यों ले रहे हो। मान लो बच्चों इसको टोटल ऊपर से नीचे आने में, टोटल इसे ऊपर से नीचे आने में कितना लग रहा है, n सेकंड लग रहा है, टोटल ऊपर से नीचे आने में इसको कितना टाइम लग रहा है, n सेकंड लग रहा है। ठीक है, अब जरा बताओ लास्ट सेकंड का मतलब क्या हुआ, लास्ट सेकंड का मतलब क्या हुआ, nth सेकंड, am I right everyone, nth सेकंड, ये आप लोग भूल गए हो क्या। देखो मैं बताता हूं, मैं फिर से आपको बताता हूं, तब आपको और क्लैरिटी आएगी। बाबू इधर देखो राजा बेटा, इधर देख, ये ए है ये बी पॉइंट है, नीचे आने में इसे टोटल लगते हैं 10 सेकंड, कितना लग रहे हैं 10 सेकंड। तो गाइस लास्ट सेकंड का मतलब क्या हुआ, लास्ट सेकंड का मतलब 10th सेकंड हुआ या नहीं, ओहो बता दो, इतनी जल्दी भूल गए क्या। टोटल नीचे आने में अगर इसे 10 सेकंड लगेगा तो लास्ट वाला सेकंड कौन सा होगा, 10वां सेकंड,
यार या तुम लोग गंदी गंदी शक्लें बना रहे हो यार, बताओ आया नहीं आया, खुद देख लो फिर से देख लो कि मान लो अगर किसी को ऊपर से नीचे आने में कितना टाइम लग रहा है, टोटल टाइम लग रहा है उसे 20 सेकंड लग रहा है, ठीक है 20 सेकंड। अगर कोई बोलता है लास्ट सेकंड का मतलब क्या, 20वां सेकंड, यस सर नो बच्चों, 20th सेकंड मतलब 20वां सेकंड, यस सर नो, कि 20वां सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, हाँ या ना, क्या ये मतलब क्लियर है? तो गाइज 10 सेकंड का मतलब क्या हुआ, गाइज 10 सेकंड का मतलब क्या हुआ, 10 सेकंड में वो नीचे आ रहा है, ठीक है 10 सेकंड में बाबू वो नीचे अगर आया है। एक सेकंड यार ये चार्ज क्यों नहीं हो रहा है, एक सेकंड बच्चों, देवियों सज्जनों रुक जाइए जरा, ये हमारा लपिया चार्ज क्यों नहीं हो रहा है, वरना स्विच ऑफ हो जाएगा ना बाबू, चार्ज नहीं होगा तो स्विच ऑफ हो जाएगा, एक सेकंड। अब हम ये मान लेते हैं कि टोटल इसे नीचे आने में कितना टाइम लग रहा है, एन सेकंड लग रहा है, कितना लग रहा है, एन सेकंड, ये आपने ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे गिराया, तो जरा बताओ लिखो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो हम नीचे वाले डायरेक्शन को क्या मान रहे हैं, पॉजिटिव मान रहे हैं, तो कुछ बताओ ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस जी हो जाएगी, नीचे टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, नीचे ये कितना एच, तो बताओ एच यू की जगह जीरो है, वन बाय टू जी, और नीचे आने में कितना टाइम लगा, एन सेकंड, तो एन स्क्वायर। तो क्या ये आपकी पहली इक्वेशन आ गई, हाँ ना, मैं जवाब दो रहे हो, और पहली इक्वेशन आई नहीं आई, एन हमने मान लिया ना एन सेकंड में नीचे आ रहा है, यार ऐसे कर रहे हो तुम लोग, एन सेकंड में नीचे आ रहा है। अब जरा खुद बताओ कि लास्ट सेकंड का मतलब क्या हो, मान लो लास्ट सेकंड में वो इतना नीचे आया, क्वेश्चन में कितना दिया है 9h/25, कितना दिया है 9h/25, तो गाइस लास्ट सेकंड का मतलब क्या हुआ, ओहो लास्ट सेकंड का मतलब हो गया, लास्ट सेकंड का मतलब क्या हुआ, nth सेकंड, यस नो। और बताओ आप फॉर्मूला भूल गए क्या, nth निकालने वाला, s इज इक्वल टू क्या होता था, u प्लस 1/2 a 2n-1, यही तो था, तो यार भूल गए क्या, nth सेकंड, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया nth सेकंड में, 9h/25, u की वैल्यू तो 0 है, प्लस 1/2 a की जगह g आएगा, ये ऐसे ही रह जाएगा, ये आपकी सेकंड इक्वेशन। क्या पहली इक्वेशन दूसरी इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते हो, हाँ ना, मैं जवाब दो गाइस, क्या हम पहली इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन को घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, हाँ या ना गाइस, बताओ बच्चों, क्या पहली इक्वेशन में से आप दूसरी इक्वेशन को सेपरेट कर दोगे तो आएगा नहीं, चलो पहली में से सेपरेट करो, तो एच माइनस 9h/25 उसका कितना है 1/2gn² माइनस इसमें क्या है 1/2g2n-1, तो कितना आएगा 1/2g2n-1। क्या अब आप इसको सॉल्व कर लोगे, क्या आपको समझ में आया, फील आया कि करना क्या था, यहां तक क्लैरिटी है या नहीं, आप मुझे पहले ये तो बताओ बच्चों, इज दिस क्लियर और नॉट, ठीक है। जरा देखो इसको सॉल्व करते हैं, देखो ये आपका आ जाएगा 25 में से 9 गया 16h/25, ये कितना आ गया 1/2gn², ये कितना आ गया, ये आ गया 1/2g2n, और ये माइनस माइनस प्लस 1/2 आ गया, क्रॉस चेक करके देखो क्या आ रहा है बच्चों, इज दिस क्लियर, क्या यहां तक आपको क्लैरिटी आई, कैसे करना है जल्दी से बता दो बच्चों, ज्यादा टेंशन नहीं लेना, पहले ही बताओ कि आपको ये दोनों इक्वेशन समझ में आई है नहीं आई है, क्या आपको ये दोनों इक्वेशन समझ में आई है, अगर आप चाहो इसे सब्ट्रैक्ट नहीं करना चाहते तो आप इसे डिवाइड दे दो, डिवाइड करने में मुझे ज्यादा फायदा दिख रहा है, देखो आप इसे अगर डिवाइड दे दोगे तो ज्यादा फायदा होगा, जरा डिवाइड देकर देखो बच्चों, अगर आप डिवाइड दोगे तो जरा बताओ क्या आएगा, ऊपर क्या है, इधर एच है, इधर क्या है 9h/25, उधर क्या है ऊपर 1/2gn², और इधर क्या है 1/2g2n-1, अब देखो क्या क्या कैंसिल हो गया, एच से एच कैंसिल हो गया, तो ये बच गया आपका 25/9, और देखो ये 1/2 कैंसिल, जी से जी कैंसिल, क्या बच गया n² / 2n-1, तो बच्चों यहां पे बनेगी क्वाड्रेटिक, अब उसको आप सॉल्व कर लीजिएगा वो आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं आपको बता देता हूं n की वैल्यू, मेरे ख्याल से n की वैल्यू नहीं, अगर मान लो n की वैल्यू निकाल के पुट कर दोगे किसी एक इक्वेशन में तो आपकी h की वैल्यू 122.5 आ जाएगी। अब बताओ क्वेश्चन समझ में आया नहीं, बाकी का पार्ट तो कैलकुलेशन है,
सर वेक्टर 1D और काइनेमेटिक्स 1D सेम है क्या? बेटा वेक्टर जो मैंने आपको पढ़ाया है वो मैंने अलग से प्रॉपरली आपको पढ़ा दिया, बट दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द काइनेमेटिक्स, ओके, और वो पूरे फिजिक्स में यूज होता है, बट मैंने उसको आपको अलग से सेपरेट करके 6-7 लेक्चर में अच्छे से पढ़ा दिया बेटा, तो वो भी काइनेमेटिक्स का ही पार्ट है, ठीक है, बट मैंने उसको अलग से पढ़ा दिया है पहले ही आपको सारा कुछ उसका। तो बताओ बच्चों क्लियर है क्या? आप इसको सॉल्व करके क्या आप एन की वैल्यू नहीं निकालोगे और एन की वैल्यू आएगी उसको पुट कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा? बता दो जल्दी से, क्लियर है तो गाइज डन डन डन। को इक्वेशंस कैसे बनी है दैट इज मोर इंपॉर्टेंट गाइज, इक्वेशन आपने कैसी बनाई है दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। अगर आपको ये दोनों इक्वेशन बनाने आ रहा है उसके बाद बस मैथ्स है और कुछ नहीं, मैथ्स लग रही है बाबू अगर पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन आप बना ले रहे हो तो। अब बताओ समझ में आया नहीं सर? स्टेप नेम करिए तो बताए क्या नहीं समझ आया? स्टेप नहीं मतलब समझ नहीं आया, स्टेप समझ में नहीं आया बेटा, इसमें क्या है? इसमें तो वही है ना आपका, ये आपका पहला कि पहली वाली ऑब्जेक्ट को नीचे आने में कितना टाइम लगा हुआ आपने, फिर लास्ट सेकंड में कितना ट्रेवल किया ये, फिर थर्ड पार्ट में हमने दोनों को डिवाइड कर दिया आ गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके एन की वैल्यू निकालो, एन की वैल्यू आएगी उसको यहां रख देना तो एच की वैल्यू आ जाएगी, खत्म। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इस वाले को ट्राई करो और कोई डाउट हो तो चैट में पोस्ट कर दो, तब तक मैं आपके डाउट्स देख लेता हूं और बाकी बच्चे इस क्वेश्चन को ट्राई करो, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके स्क्रीन पे। काइनेमेटिक्स इज डिपेंड ऑन रेफरेंस पॉइंट, काइनेमेटिक्स डिपेंड बेटा ये कोई मतलब है काइनेमेटिक्स डिपेंड ऑन? बेटा पूरी फिजिक्स में रेफरेंस पॉइंट का बहुत बड़ा रोल है, बिना रेफरेंस पॉइंट के कुछ नहीं हो सकता, विदाउट नोइंग द रेफरेंस पॉइंट। तुम गाइस जल्दी से बताओ यहाँ पे क्या है? बलून की बात की जा रही है, ए बलून इज एट ए हाइट ऑफ 81 मीटर एंड असेंडिंग अपवर्ड। गाइस कोई बलून है वो ऊपर जा रहा है, वो ऊपर जा रहा है कितने से जा रहा है? 12 मीटर पर सेकंड से। अब उसके अंदर से क्या किया, कोई ऑब्जेक्ट है जिसका वेट कितना है 2 kg है, उसको आपने नीचे गिरा दिया, ठीक है नीचे गिरा दिया। अब आपको ये पूछा है द बॉडी विल रीच द सर्फेस ऑफ द अर्थ, तो वो जो ऑब्जेक्ट आपने बलून से जो नीचे गिराया उसको नीचे आने में कितना टाइम लगेगा, दैट्स व्हाट यू नीड टू कैलकुलेट। जल्दी से बताओ जोशिता का आंसर सी है। व्हाट अबाउट अदर स्टूडेंट्स गाइस, सॉल्व करने के बाद आंसर पोस्ट करो यार, कम ऑन एवरीवन गाइस। आंसर नहीं आया क्या किसी का? 5.4 आ रहा है, ओके यार मतलब क्वेश्चन सॉल्व कर लो, कितनी बातें कर रहे हो। कल ग्राफ पढ़ाऊंगा मैं आप लोगों को, ठीक है कल ग्राफ का फर्स्ट लेक्चर होगा बाबू, ठीक है इंपॉर्टेंट है याद रखना फिजिक्स के लिए। आया किसी का आंसर? ओके शोएब का सी आ रहा है। व्हाट अबाउट अदर स्टूडेंट्स? अबे कितनी बातें करोगे, बस करो ना तुम लोग की बातें खत्म नहीं, 3 दिन का टाइम देके गया था कि कर लो बातें, फिर भी बातें खत्म नहीं है तुम लोगों की। 5.04 ओके ऋषभ सी आ रहा है, ऋषिका का, रोशन का सी आ रहा है, ओके गोपी, ओ गोपी बहू भी आई, गोपी बहू है भाई ओके चलो मैं सॉल्व करता हूँ। देखो गाइज ये आपका बलून हो गया, ठीक है ये आपका बलून हो गया, मान लो ये कुछ ऐसा सेटअप कर रखा है बलून के अंदर आपने, ठीक है ये बलून हो गया आपका। अब गाइज ये जो बलून है वो ऊपर जा रहा था कितने से, 12 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा था। अब जरा आप ये बताओ ये जो बलून है ग्राउंड से कितनी हाइट पर था? 81 मीटर ये ग्राउंड से था 81 मीटर ये। तो गाइज अब देखो, अब जब आप इस ऑब्जेक्ट को, ये 2 kg के ऑब्जेक्ट को आप इस पे से गिरा रहे, ठीक है लेकिन गाइज आप जरा बताओ जिस चीज में से आप गिरा, आप कहां से गिरा रहे हो? बलून से गिरा रहे हो। तो गाइज आप जरा बताओ कि बलून से अब जिस चीज से आप गिरा रहे हो वो खुद ही ऊपर जा रहा है, यस और नो? ओके श्योर गाइज ये बताओ कि जैसे आपका ये जो बलून है वो बलून ऊपर जा रहा है 12 मीटर पर सेकंड से, आप उस बलून से कोई ऑब्जेक्ट को नीचे गिरा रहे हो, ठीक है आप उस बलून से किसी ऑब्जेक्ट को नीचे गिरा रहे हो। अब जरा आप ये बताओ उस बलून से जब किसी ऑब्जेक्ट को नीचे गिराओगे तो क्या उसके पास भी वही वेलोसिटी आ जाएगी जो बलून के पास थी? यार देखो जब भी किसी चलती हुई चीज से, गाइज ध्यान से सुनो, हेलो अख्तर गाइज, कभी भी किसी चलती हुई चीज से किसी ऑब्जेक्ट को अगर आप जब गिराते हो तो जो वो चलती हुई चीज है उसकी वेलोसिटी आपके उस ऑब्जेक्ट में आ जाती है। आप ये बताओ कि यहां पे जो बलून है वो 12 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है, हां सर, तो जैसे ही आप उस ऑब्जेक्ट को गिराओगे ना तो उसके पास भी ये 12 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी होगी और वो कहां होगी? ऊपर की तरफ होगी, ठीक है वो कहां होगी बाबू? ऊपर की तरफ होगी। तो जब आप इसको रिलीज कर रहे हो ना तो इस ऑब्जेक्ट के पास बताओ एक वेलोसिटी होगी ऊपर की तरफ, ठीक है ये वेलोसिटी होगी इसके पास, ये ऊपर की तरफ कितनी? 12 मीटर पर सेकंड। तो ये आपका बलून पहले ऐसे कुछ ऊपर जाएगा फिर ऐसे नीचे आएगा,
फिर ऐसे नीचे आएगा बच्चों, ठीक है। तो जरा बताओ ऊपर वाले डायरेक्शन को हम क्या मान लेते हैं, पॉजिटिव मान लेते हैं, नीचे वाले डायरेक्शन को नेगेटिव, क्योंकि ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है। तो बताओ इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, प्लस 12 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब बताओ इसका ए का वैल्यू क्या होगा, माइनस जी होगा। ये बताओ इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ है तो माइनस 81, और यार डिस्प्लेसमेंट तो नीचे होगा, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट, ये इसका फाइनल पॉइंट, तो डिस्प्लेसमेंट तो इसका नीचे ही रहने वाला है ना, नीचे, तो माइनस 81 मीटर। अब हमें क्या फाइंड आउट करना, हमें टी फाइंड आउट करना है। तो साफ साफ आपको दिख रहा है कि कौन सी वेलोसिटी आपको निकालनी है, सॉरी कौन सी इक्वेशन आपको निकालना है। ये वाली इक्वेशन लगेगी एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये बता बलून का डिस्प्लेसमेंट कितना है, माइनस 81, कितनी वेलोसिटी यू, और टाइम हमें निकालना है प्लस 1/2। एक जगह क्या लिख दू, माइनस जी, माइनस जी का मतलब 10, और ये हमें टी स्क्वायर निकालना। देखो कितना आ गया, माइनस 81 12t आ गया, ये माइनस 5t स्क्वायर आ गया। सबको राइट साइड लेके जा रहा हूं मैं, ओहो, तो 5t स्क्वायर माइनस 12t माइनस 81 इज इक्वल टू 0। क्या ये इक्वेशन आप लोग की आ रही है, क्या बच्चों आप लोगों का ये क्वाड्रेटिक आया या नहीं आया, ये तो बता दो। अरे यार बचपन में इतने बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ खेला होगा, 10th क्लास में भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ के आए हो। बच्चों जल्दी से बता दो, सर ये सब मैं कर लेता हूँ, आप ड्रीम इलेवन बेटा, ठीक है आशु, नीट का पेपर भी, नीट का पेपर भी मैं दे दूंगा, और बेटा तुम ड्रीम इलेवन पे टीम बना लेना, ठीक है। नीट का तुम्हारा पेपर मैं दे दूंगा, सिलेक्शन पक्का है, ठीक है। फिजिक्स में 145 में 145 नंबर, अब बायो और केमिस्ट्री में फेल, ठीक है, क्योंकि बायो केमिस्ट्री मेरे को नहीं आती, ठीक है। बट फिजिक्स में 120 में 120 ले आऊंगा, टेंशन ना ले, सॉरी 180 में 180 ले आऊंगा, ठीक है। 45 के 45 क्वेश्चन करके आ जाऊंगा। चलो फिर से देखो गाइज, एक बार ध्यान से देखना जिनको समझ में नहीं आया। ये बताओ कोई बलून है, ठीक है गाइज, याद है वो हॉट एयर बलून जो होते थे, उस हॉट एयर बलून में से किसी, देखो हॉट एयर, मैं फिर से समझा रहा हूं सुन ले संप्रिंत बेटा, एक हॉट एयर बलून जो नहीं होते वो ऊपर जा रहे होते हैं, तो गाइज मान लो ये हॉट एयर बलून ऊपर जा रहा था 12 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। अब जरा आप ये बताओ, यस गाइज ये बताओ कि ये हॉट एयर बलून आपका ऊपर जा रहा है ना, ऐसे ये ऊपर जा रहा है बच्चों, कितने जा रहा है, 12 से जा रहा है। अब आपने इससे किसी ऑब्जेक्ट को गिराया, तो बलून जितने से ऊपर जा रहा है ना वही वेलोसिटी आपके इस ऑब्जेक्ट को आ जाएगी, क्योंकि आपने उसको ड्रॉप किया लेकिन बलून ऊपर जा रहा था, ठीक है, ऊपर जा रहा था तो उसके पास भी एक ऊपर की तरह वेलोसिटी आ गई। तो यानी कि जो आपने ऑब्जेक्ट गिराया है उसके पास ऊपर की तरह वेलोसिटी आ गई 12, तो वो ऑब्जेक्ट कैसे गिरेगा, ऐसे देखो जो ऐसे, ठीक है, तो आपका ऑब्जेक्ट 12 से ऊपर जा रहा है, देखो ऐसे गिरेगा ऐसे, तो ऊपर वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया, नीचे वाले को नेगेटिव। तो गाइस यू की वैल्यू प्लस 12 हो गया, ए की वैल्यू माइनस जी हो गई, डिस्प्लेसमेंट कहां होगा, माइनस 81, क्यों, क्योंकि आपका इनिशियल पॉइंट ऊपर है फाइनल पॉइंट नीचे, तो आपका माइनस 81 मीटर होगा नीचे की तरफ, ठीक है, ओके। तो ये आ गया, अब जरा ये इक्वेशन आई है ना क्वाड्रेटिक, जरा इसको सॉल्व करते हैं। देखो क्या आया, 5t स्क्वायर माइनस क्या है आपका, माइनस 12t माइनस 12t माइनस 81 इज इक्वल टू 0। तो आप क्वाड्रेटिक पढ़ना भूल गए हो क्या, याद है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 का आप क्या लिखते थे, x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, भूल गए क्या, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो दी थी, ठीक है। अब जरा आप ही बताओ x की जगह यहां, अब जरा इस इक्वेशन देखो, x निकालना है, b की जगह क्या है, माइनस 12 है, तो पहले से ही माइनस हो जाता है, माइनस 12 प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब माइनस 12 का होल स्क्वायर, ठीक है। माइनस ए की जगह क्या आएगा, 5, और सी की जगह क्या आएगा, माइनस 81 डिवाइड बाय 2a, ए की वैल्यू कितने दी है, 5 दिए। तो क्या अब आप इसको सॉल्व नहीं कर लोगे, 12 रूट के अंदर क्या आएगा, 144, और ये कितना आ जाएगा, 20 को इससे करोगे 2 × 2 = 16, 1620 डिवाइड बाय 10। क्या आप इसको सॉल्व करके क्या आप x की वैल्यू नहीं निकाल लोगे बच्चों, क्या आप इसको सॉल्व करके अब आपकी x की वैल्यू नहीं आ जाएगी, जल्दी से बता दो। क्या आपको ये तो पता है यार क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, क्या 10th क्लास में किया नहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, अबे और ऐसी बातें कर रहे हो तुम लोग, ऐसे देख रहे हो जैसे कभी लाइफ में तुमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में सुना ही नहीं है। अरे यार बता दो, है नहीं है बच्चों, स्वप्नप्रीत बेटा क्लियर है ना। तो जब आप किसी बलून से जो चीज ऊपर जा रही है, बलून आपका ऊपर जा रहा है, ठीक है, आप खुद बताओ, उससे आपने एक ऑब्जेक्ट को गिराया, बलून ऊपर 12 से जा रहा था, तो ऑब्जेक्ट के पास ही वेलोसिटी ऊपर की तरफ 12 आ गई, ठीक है, और वो नीचे 81 मीटर नीचे आना था, तो बताओ आया नहीं आया, क्लियर है। चले आगे गाइज, डन डन आ डन, ऑल गुड, ऑल से दिव्यांश सचनो, बताओ ये आपका आंसर आया कि नहीं, 5.4 बिल्कुल सही बेटा है ऋषिका, इसका आंसर जो 5.4 बता रहे हो सॉल्व करने पे, ये जो आएगा 5.4 सेकंड आएगा, बिल्कुल सही बोला बेटा आपने, ठीक है। चलिए दिव्यांश सचनो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जरा इसको ट्राई कीजिए, चलो बच्चों इसको ट्राई करो, थोड़ी एनर्जी लाओ यार, यार थोड़ी एनर्जी ले आए यार, 2-3 दिन क्लास नहीं हुई, तुम लोग तो मतलब बिखर से गए हो।
बेटा बस कर ऋषभ कितनी स्पैमिंग करेगा, बस करना कितना रहेगा इस 5.4। चलो इसको ट्राई करो, इसको ट्राई करो, क्या दिया है, ए पार्टिकल इज ड्रॉप्ड अंडर ग्रेविटी फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम ए हाइट एच एंड इट ट्रेवल्स डिस्टेंस। ये तो हमने कर लिया है ना गाइज, ये तो हो गया ना, ये वाला क्वेश्चन सेम क्वेश्चन या एग्जैक्टली दूसरा क्वेश्चन लाते हैं, तो कर लिया हमने, इसको ट्राई करो, हाँ इसको ट्राई करो बाबू, इसको ट्राई करो, ये बाबू ये वाला पिछला वाला तो कर लिया हमने, इसको ट्राई करो, इसको ट्राई करो बच्चों, इसका आंसर आया बच्चों, देखो इसमें क्या बोला है, वॉटर ड्रॉप्स फॉल एट रेगुलर, देखो बच्चों ये वाला जो क्वेश्चन है आपको हर बुक में मिल जाएगा गाइस, ये वाला जो क्वेश्चन आपको हर बुक में मिल जाएगा, हर जगह मिल जाएगा, जो आप मॉक टेस्ट वगैरह दोगे ना वहां पे भी मिल जाएगा, ए आंसर आ रहा है और बी आर अख्तर का, ओके सोएव का ए आ रहा है, ओके सो गाइस यहां पे क्या दिया है, वॉटर ड्रॉप्स फॉल एट रेगुलर इंटरवल फ्रॉम ए टैप विच इज 5 मीटर अबव द ग्राउंड, द थर्ड ड्रॉप इज लीविंग द टैप एट द इंस्टेंट फर्स्ट ड्रॉप टचेज द ग्राउंड, हाउ फार अबव द ग्राउंड ग्राउंड इज द सेकेंड ड्रॉप एट दैट इंस्टेंट। चलो देखो, अच्छा 4 मीटर आ रहा है आप लोगों का आंसर, चलो मैं बताता हूं गाइज, ठीक है चलो चलो ठीक है मैं ट्राई करता हूं, ठीक है गाइज मुझे इस समझ में नहीं आ रहा है कि गलत आंसर को भी स्पैमिंग कितने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कर लेते हो, ये शक्तियां कहां से लाई है तुम लोगों ने कि गलत आंसर तुक्का मार रहे होते हैं और उसमें भी स्पैमिंग कर रहे होते हो तुक्का, गलत आंसर निकाल के भी, मतलब कहां से लाते हो ऐसी शक्तियां तुम लोग, इतना कॉन्फिडेंस कहां से गाइज, ये मान लो आपका टैप हो गया ठीक है, और गाइज यहां से क्या बोला, रेगुलर इंटरवल मतलब रेगुलर फिक्स इंटरवल के बाद ड्रॉप्स इससे बाहर आ रहे हैं, ठीक है तो जरा आप ये बताओ, क्वेश्चन बोला है कि जब आपका पहला ड्रॉप जब जमीन को टच कर रहा है ना और दूसरा ड्रॉप इससे जस्ट बाहर आ रहा है, तीसरा ड्रॉप ठीक है, इसे देखो क्या बोला है, फ्रॉम ए टैप विच इज 5 मीटर अबव द ग्राउंड, तो मतलब ये हाइट यहां से कितने दी है, 5 मीटर दी हुई है, ठीक है बच्चों 5 मीटर दी हुई है, द थर्ड ड्रॉप इज लीविंग द टैप, तीसरा ड्रॉप देखो निकल रहा है, बट उसी टाइम में जो फर्स्ट वाला ड्रॉप है ग्राउंड को टच कर रहा है, ठीक है देखो टच कर रहा है, तो आपको ये पूछा है कि जो दूसरा वाला ड्रॉप है, ठीक है दूसरा वाला जो ड्रॉप है वो ग्राउंड से, ठीक है अबव द ग्राउंड कितना ऊपर ये ग्राउंड से है वो हमें निकालना है, तो पहले बताओ क्या क्वेश्चन क्लियर है कि क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, ओके बी आर आंसर, ओके शुभम गाइज आप ये बताओ, सबसे पहले आप ये बताओ बाबू कि ये जो टैप है बच्चों, ओके सो गाइज ये बताओ कि जो आपको टैप दिख रहा है इस टैप से बूंदे गिर रही है, वाटर ड्रॉप्स बाहर आ रहे हैं, ठीक है गाइज ये बताओ आप इससे ड्रॉप्स बाहर आ रहे हैं, अब आप ये बताओ कि जो ये ड्रॉप है पहला वाला ड्रॉप जब वो ग्राउंड को टच कर रहा है तो तीसरा वाला ड्रॉप उस टैप से बाहर आ रहा है, टैप से क्या आ रहा है, बाहर आ रहा है बच्चों, ओके अब आपको ये पूछा है गाइज, आपको ये पूछा है कि बताओ जो दूसरा वाला इस टाइम पे जो दूसरा वाला ड्रॉप है वो ग्राउंड से कितने हाइट पे है ये आपको निकालने बोला है, ठीक है वो ग्राउंड से कितने हाइट पे है ये आपको निकालने बोला गया है, ठीक है अब जरा बताओ आज नहीं तेजस, अब जरा ये बताओ कि इसमें हमें क्या करना है, देखो सबसे पहले फिक्स इंटरवल है तो मान लो हर एक ड्रॉप के बीच में गैप कितना है, टी है, तो बच्चों जरा आप ये बताओ कि हर एक ड्रॉप के बीच में गैप कितना है, टी, तो जरा ये बताओ कि यहां से जब तीसरा वाला ड्रॉप यहां है तो पहले वाले ड्रॉप को नीचे आने में टोटल कितना टाइम लग गया है, 2t, कितना टाइम लग गया है, 2t, और दूसरे वाले को नीचे आने में टाइम कितना लग गया, दूसरे वाले ड्रॉप को नीचे आने में लग गया टाइम टी, क्यों, क्योंकि देखो जब पहले वाले ड्रॉप को गिराया तो टाइम कितना था, t = 0, फिर दूसरे को गिराया टी टाइम के बाद, फिर तीसरे को गिराया टी टाइम के बाद, तो पहला वाला ड्रॉप कितने टाइम में नीचे आ गया, 2t टाइम में, दूसरा वाला ड्रॉप कितने टाइम में, अभी टाइम कितना हो रहा है, टी हो रहा है, तो चलो आप जब जब ड्रॉप्स बाहर आ रहे तो इनिशियल वेलोसिटी तो 0 होगी, अब जरा बताओ पहले वाले ड्रॉप के लिए निकालो, तो गाइस s = ut + ½at² में लगाओ, नीचे वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे, तो पहला वाला ड्रॉप 5 मीटर नीचे आ गया, ठीक है इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है, 1/2 g आएगा, और कितने टाइम में, 2t टाइम में, तो ये कितना आ गया 5, ये आ गया 1/2g और ये आ गया 4t², ये पहले वाले ड्रॉप के लिए इक्वेशन आ गई, दूसरे वाले ड्रॉप के लिए इक्वेशन लिखते हैं, तो गाइस दूसरा वाला ड्रॉप कितना नीचे आ गया है, मान लो दूसरा वाला ड्रॉप नीचे आ गया h', ठीक है तो u का भी 0 है, 1/2 दूसरे वाले ड्रॉप को कितना टाइम लगा है, टी लगा है, तो t² आ गया, दोनों को डिवाइड दे दो तो कितना आया 5/h', देखो ये 1/2 1/2 g कैंसिल, t² कैंसिल, कितना आ गया 4,
तो एच डैश की वैल्यू आगे कितनी आ गई, 5/4। तो मतलब जो हमारा ड्रॉप है, दूसरा वाला ड्रॉप है, ऊपर से कितना नीचे आ चुका है, वो आ गया 5/4। और टोटल हाइट कितनी दी थी, 5, लेकिन हमें तो ग्राउंड से निकालना है, तो 5 में से 5/4 को घटा दो, तो 20 में से 15 गया, 15/4 ये आंसर है, तो आंसर आपका बी आ रहा है। क्लियर एवरीवन? गाइस ये आपको क्लियर आया, क्लियर हुआ या नहीं, जरा आप खुद बताओ। बाबू ध्यान से सुनो, आप हर एक ड्रॉप, जैसे पहला ड्रॉप गिरा उसके टी टाइम के बाद दूसरा ड्रॉप, फिर उसके टी टाइम के बाद तीसरा ड्रॉप गिरा, तो मतलब पहले ड्रॉप को, गाइस पहले ड्रॉप को नीचे आने में कितना टाइम लगा, 2t टाइम लग गया, और दूसरे वाले को नीचे आने में टाइम कितना लगा, t लगा है, तो अरे बस पुट कर दो, आंसर आ गया। फिर से देख लो बच्चों, जब आपका पहला ड्रॉप बाहर आया, बच्चों जब आपका उसमें से पहला ड्रॉप आया बाहर तो टाइम जीरो था, जब अब फिर उसके बाद जब तीसरा ड्रॉप आया तो पहले वाले ड्रॉप को गिरे हुए कितना टाइम हो गया था, 2t टाइम हो गया था कि नहीं। अरे यार तुम लोग ऐसी गंदी गंदी शक्लें बना रहे हो यार, तुम खुद बताओ यार, हर एक ड्रॉप के बीच में गैप कितना है, टी टाइम, एक ड्रॉप गिरा उसके बाद दूसरा कितने टाइम के बाद गिर रहा है, टी टाइम के बाद, फिर एक ड्रॉप गिरा उसके टी टाइम के बाद दूसरा ड्रॉप गिर रहा है, तो जब तीसरा ड्रॉप गिरने वाला होगा तो पहले वाले ड्रॉप को कितना टाइम हो गया होगा, 2t, 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 ये सुनो, जब तीसरा ड्रॉप गिर रहा होगा तो दूसरे वाले ड्रॉप को कितना टाइम हो गया होगा, t हो गया होगा, तो दोनों के लिए इक्वेशन लगा दो ना, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ et स्क्वायर, तो पहला वाला ड्रॉप कितना नीचे आ गया, 5 मीटर, तो उसका s का वैल्यू 5 हो गया, 1/2g, और उसका 2t हो गया, दूसरा वाला ड्रॉप कितना नीचे आ गया, हमने मान लिया एच डैश, तो एच डैश की वैल्यू निकाल दी, फिर हमने दोनों को डिवाइड दिया, एच डैश की वैल्यू आ गई, लेकिन हमें तो डिस्टेंस बताना था कि दूसरा ड्रॉप ग्राउंड से कितना ऊपर है, तो 5 में से 5/4 को घटा दिया, तो 3.75 मीटर इतना ऊपर हमारा सेकंड ड्रॉप है ग्राउंड से, आया या नहीं आया बता दो यार। अबे यार तुम लोग कैसे हो चुके हो यार, तुम लोग यार मतलब, गाइज इज दिस क्लियर, डन डन एवरीवन, चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं देवियन सज्जनों, चलो आ जाओ इस क्वेश्चन को ट्राई करो। देखो इस क्वेश्चन, देखो जिन बच्चों ने सेकेंड लास्ट क्लास की होगी ना, वो बच्चे इस क्वेश्चन को बिना सॉल्व करे आंसर करने वाले। गाइज अगर आपको ध्यान हो तो मैंने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट करके आपको एक कुछ बताया था, जिन बच्चों को वो याद होगा वो डायरेक्ट इस क्वेश्चन का आंसर करने वाले, क्योंकि मैं इसे सॉल्व नहीं करूंगा, मैंने आपको पहले ही बोला था कि ये क्वेश्चन आपको हर जगह दिखेगा और इसको डायरेक्ट टिक करके आपको आगे चले जाना। सबसे पहले विवेक रंजन ने आंसर बताया है, देखो अगर आपने क्लासेस सारी की है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर ना एक लाइन में करने वाले, मतलब बिना देखे आप टिक कर दो यार, ये लो यार इसका आंसर है सर जी, ये आंसर, सॉल्व ही नहीं करना है इस क्वेश्चन को, मैं खुद भी इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कराऊंगा, क्यों, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, ठीक है, मैंने आपको पढ़ा हुआ, मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट करके ये पूरा एक्सप्लेन करके बताया था कि ये चीजें ध्यान है रखना, टाइम वेस्ट होगा, कहीं भी दिखेगा डायरेक्ट टिक कर देना, हाँ या ना, यार मैंने बताया, मुझे ध्यान है बाबू, चलो आ जाओ देखो इसे सॉल्व करते हैं, देखो बहुत से बच्चों ने सही आंसर भी किया। देखो एक आप बिल्डिंग ले लो, अब इस बिल्डिंग से क्या क्या हो रहा है जरा देखते हैं, देखियो सज्जनों यहां पे दिया है आपको, स्टोन ड्रॉप फ्रॉम ए बिल्डिंग एट ए हाइट h एंड इट रीचेस आफ्टर t सेकंड ऑन अर्थ, ओके, सो गाइस एक स्टोन को आपने ड्रॉप किया, कितना था उसकी u की वैल्यू, 0 थी, बिल्डिंग की हाइट कितनी दी है, h दी है, तो गाइस इसको नीचे आने में कितना टाइम लग रहा है, इसने क्या बोला है, t टाइम लग रहा है, ओके, अब उसके बाद क्या कर रहा है बाबू, जरा ध्यान से देखो, उसके बाद कर रहा है कि फ्रॉम द सेम बिल्डिंग इफ टू स्टोन्स आर थ्रोन वन अपवर्ड एंड अदर डाउनवर्ड विद वेलोसिटी u, अब क्या कर रहा है कि आपने दो स्टोन और फेंक दिए, आपने क्या किया, एक स्टोन को फेंक दिया ऊपर u वेलोसिटी से, तो वो नीचे आएगा, ठीक है, तो इसको नीचे आने में टाइम कितना लग रहा है, t1 लग रहा है, याद आया कुछ, अब फिर इसी बिल्डिंग से आपने एक और स्टोन फेंका है, लेकिन कहां, नीचे u वेलोसिटी से, तो उसको नीचे आने में कितना टाइम लग रहा है बाबू, उसको नीचे आने में टाइम लग रहा है t, तो अगर आपने मेरी क्लासेस सारी की होंगी तो मैंने बोला था कि जो ये वाला टाइम होता है क्या वो टाइम रूट अंडर t1 और t2 के बराबर होता है, मैंने बोला था कि डायरेक्ट टिक कर देना जब भी ये क्वेश्चन आएगा, हाँ या ना, बोलो, ये जो आपकी सेकंड लास्ट क्लास थी, जो आपका लेक्चर नंबर 5 था ना काइनेमेटिक्स 1D का, उसके अंदर मैंने ये पढ़ाया हुआ, आपका हाँ ना, मैं बोलो बताया था कि नहीं बताया था, खुद बताओ बच्चों, क्या बताया नहीं था, t इज इक्वल टू रूट अंडर t1 बाय t2, एक बिल्डिंग का डायग्राम था, उस पर एक ऑब्जेक्ट को हमने ड्रॉप किया था, दो ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट को ऊपर u से फेंका था, एक को नीचे फेंका था, फिर हमने तीनों के टाइम में रिलेशन देखा था, तो t इज इक्वल टू t1 रूट अंडर t1 t2 था, हाँ या ना, तो क्या करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, बिना सॉल्व किए कि आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते थे, सबसे पहले विवेक रंजन ने इस क्वेश्चन का आंसर कर दिया था, क्लियर एवरीवन।
ओके अनुष्का गाइस डन 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 आगे चले बच्चों जल्दी से बता दो। ओके ओके चलिए दिव्यन सज्जनों अब जरा यहां पे आ जाओ। अब बच्चों एक छोटा सा टॉपिक है मोशन विद वेरिएबल एक्सेलरेशन, ठीक है। तो पहले तो आप मुझे चैट में ये बता दो वेरिएबल एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है। गाइस व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ वेरिएबल एक्सेलरेशन जल्दी से बता दो आप लोग। गाइस टेल मी फास्ट व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ वेरिएबल एक्सेलरेशन। एवरीवन कम ऑन से समथिंग, कम ऑन एवरीवन व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ वेरिएबल एक्सेलरेशन चैट में लिख दो जल्दी से। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यस बेटा दैट इज सफिशियंट। अगर वो सीबी अगर आप पहले चेक कर रहे हैं कि सीबीएसई से कितने चैप्टर्स मैच करते हैं डब्ल्यूबी के लिए, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको आइडिया लग जाएगा। एक्सेलरेशन वेरिंग एट एवरी पॉइंट, एब्सोल्युटली करेक्ट। ओके गुड सूरज बेटा, गुड 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 आफ्टरनून अमन। सो गाइज आप लोग बिल्कुल सही बोल रहे हो, वेरिएबल एक्सेलरेशन का मतलब जो ए की वैल्यू है वो कॉन्स्टेंट नहीं है। तो गाइज जब आपकी ए की वैल्यू कॉन्स्टेंट नहीं होगी, ठीक है, एक ए इज व्हाट वेरिएबल, तो उस केस में आप ये बताओ कि आपको पता है कि जो तीनों इक्वेशन होती है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और क्या ये v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, क्या ये तीनों इक्वेशन आप नहीं लगा सकते हो जब भी आपका a का वेरिएबल a की वैल्यू वेरिएबल होती है? हाँ ना मैं जवाब दो। आपको पता है कि जब a की वैल्यू कांस्टेंट होती है तभी ये तीनों की तीनों इक्वेशंस लगती हैं। अगर a की वैल्यू कांस्टेंट नहीं है तो ये आप तीनों इक्वेशन नहीं लगा सकते हो। और यार बोलो ना बच्चों, यस और नो खुद बताओ, जब आपकी a एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं यूज कर सकते हो आप, ये चीज ध्यान रखना, मैंने आपको पहले ही बताया, ठीक है। लेकिन अगर a वेरिएबल है तो कैसे डील करेंगे ये हमें जरा देखना है। ओके अब जरा आप मुझे ये बताओ बाबू कि आपने देखा है कि जब x दिया हो तो v कैसे निकालते हैं डिफरेंशिएट करके, dx by dt, और dx by dt वेलोसिटी तो होता है यार, ऐसे कर रहे हो तुम लोग यार, ठीक है। तो v इज इक्वल टू क्या होता है dx by dt होता है, ठीक है। अब जब v दिया हो तो v से कैसे आता है खुद बताओ, a इज इक्वल टू क्या होता है dv by dt होता है, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करने के बाद ये आ जाता है। अब बताओ a से v कैसे आता है, इंटीग्रेशन करके। v से x कैसे आता है, इंटीग्रेशन करके, ये मैंने आपको बताया था। अब जरा देखते हैं कि कैसे डील करते हैं क्वेश्चंस को, तो मैं आपको क्वेश्चन बताता हूं, जरा यहां पे आओ, एक क्वेश्चन करेंगे तब आपको और क्लैरिटी आएगी। देखो एन इलेक्ट्रॉन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट हैज ए वेलोसिटी दिस वेलोसिटी दैट इंक्रीजेस लिनियरली विद टाइम। तो गाइस किसी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी दे दी है v इज इक्वल टू kt, ओके। जरा आप ये बताओ कि वेलोसिटी यहां पे वेरिएबल है, बिल्कुल वेलोसिटी तो वेरिएबल है, क्यों? क्योंकि जैसे जैसे टाइम t पे डिपेंड कर रहा है टाइम आपका चेंज होगा वेलोसिटी चेंज होगा। k की वैल्यू कोई कांस्टेंट है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया, कोई कांस्टेंट है। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द फर्स्ट 3 सेकंड विल बी, तो बोल रहा है कि t इज इक्वल टू 3 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा ये आपसे पूछ रहा है। तो जरा ट्राई करो, आप में से कितने बच्चे इस क्वेश्चन में दिमाग लगा पा रहे हैं जरा चेक करो, चेक करो बच्चों कितने बच्चे इस क्वेश्चन को कर पा रहे हो। आपको v दिया हुआ है बाबू, आपको v दिया हुआ है, खुद बताओ ये v वेरिएबल है, v is equal to kt पे डिपेंड कर रहा है, तो आपको वेलोसिटी की इक्वेशन दी हुई है और आपको पूछा गया है कि गाइज x बताओ, ठीक है, कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा पहले 3 सेकंड में, वो आपको बताना है, ठीक है। कमन एवरी वन प्लीज ट्राई टू सॉल्व दिस, एवरी वन कमन ट्राई दिस। 9 मीटर आ रहा है, ओके जोशीतन 9 मीटर आ रहा है, ओके कमन एवरी वन प्लीज ट्राई टू सॉल्व इट, v इज इक्वल टू kt आ रहा है, चलो देखो ट्राई करो, कर लो स्पैमिंग, पढ़ना तो है नहीं, कुछ बच्चों को स्पैमिंग करनी है, पता नहीं डॉक्टर बनना है या फिर कंपाउंडर बनना है, मेरे को तो यही समझ में नहीं आ रहा है, या फिर वो झोला छाप बनने वाले है। यार गाइस झोला छाप डॉक्टर याद है जो बिना डिग्री, उनके पास डिग्री विग्री नहीं होती लेकिन एक छोटा सा क्लिनिक खोल के बैठ जाते हैं, ठीक है, और वो उनका बताऊं क्या देते हैं, वही पुड़िया बनाते हैं, इस पुड़िया में 3-4 टेबलेट देते हैं बच्चों, ठीक है। बी आंसर आ रहा है आशिक, आशिक अच्छा आशिक है, आशिक आशिक मोहम्मद, तो पता नहीं मुझे समझ में नहीं आता कौन सा वाला डॉक्टर बनना है, कार्डियोलॉजिस्ट बनना है, क्या बनना है, ठीक है, मतलब बनना क्या मेरे को एक लिया है, झोला छाप डॉक्टर बनना है, क्लियर ही नहीं करते यार तुम लोगों को बनना है क्या है, या फिर आशिक बनना है ये भी क्लियर नहीं करते हो कि आशिक बनना है तो प्रॉपर वाला बनो ना, उसकी अलग से तुम्हें ट्रेनिंग दे दूंगा मैं कि आशिक बनना कैसे, ना तुम आशिक बन रहे हो ढंग के, ना तुम एक डॉक्टर ढंग के बनने की तैयारी कर रहे हो, मतलब ना तुम एक अच्छे स्टूडेंट बन रहे हो, तुम बन क्या रहे हो भाई, मेरे को तो यही क्लियर नहीं है। अगर बिल्कुल नलायक बन रहे हो तो उसकी भी ट्रेनिंग में देता हूं कि प्रॉपर नलायक कैसे बनते हैं, उसकी क्लासेस ले लो, तुम लोग क्लियर करो तुम्हें बनना क्या, ठीक है, सारी सारी ट्रेनिंग दूंगा मैं तुम लोगों को।
ओके आ जाओ। चलो गाइज इस वाले क्वेश्चन में एक ही अलग शायरी मार रहा है। अक्कड़ तो छोटे मोटे बालक दिखाया करे, बैरागी के बालक तो सीधा गदर। बेटा गदर तो तब मचेगा ना जब तू डॉक्टर बनेगा। अब तू डॉक्टर ही नहीं बचेगा तो गदर कैसे मचेगा यार। चलो आ जाओ, चलो इस क्वेश्चन को ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। चलो गाइज इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, ठीक है, आ जाओ। देखो गाइज ये बताओ कि आपको पता है ना कि जब आपको एक्स दिया हो तो वेलोसिटी कैसे आता है, वेलोसिटी कैसे आता है डिफरेंशिएट करके डीएक्स बाय डीटी। लेकिन वेलोसिटी से एक्स कैसे आता है, इंटीग्रेट करके। कैसे, अब जरा देखो, आपको v की वैल्यू क्या दी है, kt दी है ना। अब वेलोसिटी को क्या आप dx by dt लिख सकते हो, हाँ dx by dt लिख सकते हो, इज इक्वल टू kt। अब जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो क्या आगा? dx इज इक्वल टू क्या हो गया, kt dt हो गया। अब हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन। क्या इतना सा पार्ट क्लियर है? आपको पता है कि वेलोसिटी को आप dx by dt लिखते हो, ओके। अब वेलोसिटी को dx by dt लिखते हो बच्चों, ठीक है। अब जरा बताओ, ओके गाइस ये बताओ, v is equal to dx by dt लिख दिया आपने। अब क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो dx की वैल्यू क्या आ गई, k dt आ गई। अब आप ये बताओ, ये क्वेश्चन उन्हीं बच्चों से होगा जिनको इंटीग्रेशन आता है। अब यार अगर आपने इंटीग्रेशन अभी तक नहीं पढ़ा है तो आप तो फिर मैं क्या ये बोल सकता हूं यार, मैं तो इतने दिन से बोल रहा हूं इंटीग्रेशन पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, ठीक है, मैंने तो ऑलरेडी पढ़ा दिया आप लोगों को। अब जरा बताओ, आपको बोला है, अब जरा ये देखो, आप ना इसको आप ना इंटीग्रेट करो, क्या बोला है आपको, बोला है कि 0 से 3 सेकंड में कितना वो आगे गया, ये बोला है ना। तो लिमिट्स लगा दो, टाइम कितना है, स्टार्टिंग में 0 था बाद में t है, डिस्टेंस स्टार्टिंग में 0 होगा बाद में x हो गया होगा, तो dx का इंटीग्रेशन क्या आता है, x अपर लिमिट x लोअर लिमिट 0, और k तो कांस्टेंट है, t का इंटीग्रेशन क्या होगा, t स्क्वायर बाय 2 अपर लिमिट 3 है लोअर लिमिट 0, खत्म। बस अब लिमिट्स रख दो, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, k की जगह कांस्टेंट 2 रख दो, ये क्या आएगा अपर लिमिट दिस और ये क्या आ गया 0। तो जरा बताओ क्या रहा x, ये कितना आ गया 2 × 9/2, तो डिस्काउंट डिस्काउंट x की वैल्यू कितनी आ गई 9 मीटर। तो कुछ बच्चों ने ऑलरेडी सही आंसर कर दिया था 9 मीटर। अब बताओ आया या नहीं आया बाबू, इज दिस क्लियर टू यू गाइस, डन डन डन। गाइज ये क्लियर है, जल्दी से बता दो आगे चले। तो यार ये सिंपल सिंपल सी बात थी, क्लियर है कि आपको यहां पे वेलोसिटी दिया हुआ है और आपसे एक्स की वैल्यू पूछ रहा है, तो यार वेलोसिटी से एक्स कैसे आएगा, इंटीग्रेट करके, तो हमने इंटीग्रेट करके निकाला है, ठीक है। बहुत बढ़िया जोशी था, गुड शाबाश बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, इस क्वेश्चन को ट्राई करो, इस क्वेश्चन को ट्राई करो, देखते हैं कितने बच्चे इस क्वेश्चन को धुआं उड़ा पाते हैं। कम ऑन एवरीवन डू इट फास्ट। चलो गाइज इस क्वेश्चन में देखो धुआं उड़ाते हैं, इस क्वेश्चन के लिए क्या बोला, देखो द एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल इज इंक्रीजिंग लीनियरली विद टाइम टी एज बी टी। तो किसी पार्टिकल का एक्सेलरेशन दिया, ए की वैल्यू आपको दिया हुआ है, ठीक है। अब आपको क्या बोल रहा है, अब आपको बोला है द पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन, पार्टिकल ओरिजिन में था, इनिशियल वेलोसिटी उसका वी नॉट था, तो आपको बोला है द डिस्टेंस ट्रेवल ऑफ द पार्टिकल इन टी टाइम। तो टी टाइम में आपके पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया है, दैट्स व्हाट यू नीड टू कैलकुलेट। कम ऑन एवरीवन डू इट फास्ट, बताओ क्या होगा। आया किसी का आंसर, ओके डी आ रहा है जंगराज। और बताओ किस बच्चे का आंसर क्या आ रहा है, कम ऑन एवरीवन टेल मी फास्ट। आया किसी का, एनी वन ऑफ यू, कम ऑन एवरीवन डू इट फास्ट गाइस। चलो अरे यार इतना भी क्या शर्मा रहे हो, बता दो ना आंसर कितना आ रहा है बच्चों, आ गया। चलो ठीक है, तो मैं सॉल्व करता हूं, आप लोग अपना आंसर मैच करना है, ठीक है बाबू। आ जाओ देखो, आप ही बताओ, आपको ए की वैल्यू दी हुई है, बी एक्सेलरेशन दिया है, आपको पता ना कि एक्स वी और ए, एक्स वी कैसे आता है, वेलोसिटी कैसे आता है डिफरेंशिएट करके, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन कैसे आता है बाबू डिफरेंशिएट करके, लेकिन एक्सेलरेशन से वेलोसिटी कैसे आएगा इंटीग्रेट करके, एक्सेलरेशन वेलोसिटी से एक्स कैसे आएगा इंटीग्रेट करके। तो जो आपका ए है मैं इसको क्या लिख दूं, मैं इसको लिख सकता हूं डीवी बाय डीटी, ओहो लिख दो डीवी बाय डीटी, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ना, तो क्या आ गया बीटी इंटू डीटी। अब इसको हम करेंगे इंटीग्रेट तो हमारा वेलोसिटी आ जाएगा। बस बेटा बस, कितनी स्पैमिंग करेगा, कंट्रोल उदय कंट्रोल। देखो ए से आपको वी लाना, इंटीग्रेट कर रहे हो, ये बताओ स्टार्टिंग में वेलोसिटी उसने कितना बोला, वी नॉट, स्टार्टिंग वेलोसिटी वी नॉट, बाद में मान लो वी हो गया होगा, स्टार्टिंग में टाइम क्या होगा जीरो, बाद में टाइम टी हो गया होगा। तो देखो क्या आ रहा है, डीवी का इंटीग्रेशन वी, अपर लिमिट वी, लोअर लिमिट वी नॉट, ओके ओके।
देखो देखो देखो, अरे मेरे लाल देख ले, ज्यादा टेंशन मत, इधर आ जा। देखो बी, और इसको क्या लिख दो, टी स्क्वायर बाय टू, अपर लिमिट क्या है टी, लोअर लिमिट जीरो। अब बस अपर लिमिट रख दो और लोअर लिमिट, और बता दो आपका वेलोसिटी कितना आ गया। देखो वी माइनस वी नॉट, ये आ गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, वी है बेटा, ठीक है। और इधर कितना आ गया बी, ये आ गया टी स्क्वायर बाय टू, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो बताओ फाइनल वेलोसिटी कितनी आ गई, वी नॉट प्लस वन बाय टू बी टी स्क्वायर। हाँ या ना? और यार बता दो गाइस, ये बता दो कि आपको ये क्लियर है कि आपने ये वेलोसिटी की इक्वेशन कैसे निकाली है। हाँ ना, कुछ तो बोल दो, आया या नहीं आया बच्चों, क्लियर है? डन 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 एवरी वन, प्लीज टेल मी इज दिस क्लियर हाउ वी गॉट हियर, दिस वैल्यू v इज इक्वल टू v नॉट प्लस वन बाय टू बी टी स्क्वायर। क्लियर गाइस, ये क्लियर है? चले आगे। ओके ओके ओके, अब देखो, अब हमारे पास वेलोसिटी आ गया, हमें क्या निकालना है, हमें तो निकालना है कि हमारा एक्स कितना है, ठीक है। तो बताओ वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आ गई, वी नॉट वन बाय टू बी टी स्क्वायर। ये बताओ वेलोसिटी से एक्स कैसे आता है, इंटीग्रेट करके ना। तो चलो इंटीग्रेट करो, वी को क्या लिख दो, डी एक्स बाय डी टी। ओके, वी नॉट प्लस वन बाय टू बी टी स्क्वायर, ठीक है। अब जरा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, v नॉट प्लस वन बाय टू बी टी स्क्वायर, यह आ गया आपका dt, ठीक है। तो ये आप इंटीग्रेट कर लो, ये आप इंटीग्रेट कर लो, तो आपका x आ जाएगा। क्या यहां तक क्लियर है? सी आ रहा है, आप लोग आंसर भी मैच कर लेंगे बच्चों, जिनका सी आंसर आ रहा है बिल्कुल सही आ रहा है, सी आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है, सी आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। चलो आ जाओ, अब जरा इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, एक सेकंड कहां गया, एक सेकंड, चलो यहां पे इसको करते हैं। तो गाइस बताओ dx का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, x। अब जरा इसको और इंटीग्रेट करो, ये क्या होगा, v नॉट dt, v नॉट तो कांस्टेंट है, ये आएगा 1 बाय 2 b नॉट t स्क्वायर dt, इंटीग्रेट कर दो। तो गाइस ये v नॉट t हो गया, और ये कितना आ गया, 1 बाय 2 b नॉट t क्यूब अपॉन 3 आ गया। क्या आपकी x की वैल्यू यही आ रही है, चेक करो गाइस, इज इट कमिंग और नॉट, एवरीवन प्लीज क्रॉस चेक, क्या आपका आ रहा, v नॉट t प्लस 1 बाय 6 bt क्यूब, जल्दी से बता दो बच्चों, क्लियर है? तो देखो x की वैल्यू v नॉट t प्लस 1 बाय 6 बी टी क्यूब आया। यार मैंने इस क्वेश्चन में कुछ नहीं किया, हम लोगों ने इस क्वेश्चन में किया क्या है, देखो पहले हम लोगों ने इस क्वेश्चन में एक्सेलरेशन से वेलोसिटी लेके आया, ठीक है, ओके, वेलोसिटी से उसके बाद हम क्या लेके आए, वेलोसिटी से उसके बाद हम लेके आए हैं डिस्प्लेसमेंट, एक्स की वैल्यू लेके आए हैं। तो आया क्लियर है बच्चों? अबे एल्विन बस करना यार, कल ही तो मैं इलाहाबाद से आया हूं, इलाहाबाद में कौन सी जगह रहता है एल्विन, कितनी स्पैमिंग करेगा एल्विन, बता मतलब क्या चाहता है बेटा, मेरी क्लास में क्यों इतनी बर्बादी लेके आता है, मेरे को समझ में नहीं आता, क्या दिक्कत है भाई मेरी क्लास से तेरे को। गाइस क्लियर है? एब्सोल्युटली करेक्ट एवरीवन, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। देखो यस दैट्स ग्रेट जोशिता, गुड। चले बच्चों आगे चले, गाइस जिसकी भी चैट आपको अच्छी नहीं लग रही, आप अपने एंड से उनको ब्लॉक कर सकते हो, ठीक है, ठीक है, आप लोग अपने एंड से उनकी चैट को ब्लॉक कर सकते हो, तो ज्यादा टेंशन मत लिया करो, ठीक है। ये कुछ लोग ऐसी लाइफ जी रहे कि बस वो जिंदगी भर चैट में ही किस्सियां भेजते रह जाएंगे, ठीक है, तो जस्ट इग्नोर। वन बाय टू बेटा, वन बाय टू तो पहले से ही था ना सुमित, वहां पे जो आपका वेलोसिटी वाली इक्वेशन थी ना सुमित बेटा, उसके अंदर तो 1 बाय 2 पहले से ही आ गया था, जब आपने इसको इंटीग्रेट किया था t को, t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाय 2 होता है ना बाबू, ठीक है, तो आ तो गया था 1 बाय 2। चलो इस क्वेश्चन को ट्राई करो, देखो आंसर क्या आ रहा है। अरे यार सेशन को लाइक करो यार, कम ऑन एवरीवन लाइक करो यार, सेशन को 100 तो क्रॉस करा दो, और बताओ इसका आंसर क्या आ रहा है। द मोशन ऑफ ए पार्टिकल इज डिस्क्राइब्ड बाय द इक्वेशन दिस, ओके, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन द फर्स्ट 4 सेकंड, तो 4 सेकंड में गाइज, पहले 4 सेकंड में पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, ये आपसे पूछा है बच्चों, बताइए क्या आ रहा है आंसर आपका। रूपांकर का डी आ रहा है, ताना का डी आ गया, ओके, व्हाट अबाउट अदर स्टूडेंट्स, कम ऑन एवरीवन टेल मी क्या आ रहा है आंसर। ओके ओके, डी आ रहा है, प्रणव का भी डी आ रहा है, ठीक है, ओके दैट्स कूल दैट्स ग्रेट गाइस, लेट्स सी हियर कि क्या आंसर आ रहा है इस क्वेश्चन में। आप ये बताओ, आपको वेलोसिटी दिया हुआ है u इज इक्वल टू at, और ये आसान सा नहीं है, और आपको डिस्टेंस पूछ रहा है, अभी तो बताया मैंने आपको कि जब x से u निकालना हो तो डिफरेंशिएट करते हैं ना, dx by dt करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं, यस और नो, v कैसे आता है आपका, v आ जाता है आपका dx by dt करके, लेकिन जब v से x निकालते हैं तो क्या करना है, इंटीग्रेशन,
तो आप बताओ इस यू को क्या लिख दोगे, dx by dt, यार वेलोसिटी यही तो होता है यार, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ऐसी बातें कर रहे हो यार, dx is equal to क्या जगह at dt हो जाएगा। अब दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो, चार सेकंड में निकालना है, तो स्टार्टिंग में टाइम जीरो, बाद में चार हो गया होगा, स्टार्टिंग में x की वैल्यू जीरो, बाद में x हो गया होगा, तो dx का इंटीग्रेशन x, अपर लिमिट x, लोअर लिमिट जीरो। अब गाइस a t का इंटीग्रेशन क्या होगा, t स्क्वायर बाय 2, अपर लिमिट 4, लोअर लिमिट क्या आएगा जीरो, लिख दो यहां पे, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहां a अपर लिमिट 4 का स्क्वायर बाय 2, लोअर लिमिट 0 का स्क्वायर बाय 2। ओहो, तो कितना आ गया, x इज इक्वल टू 1/2, ये 16 और ये a आ गया, तो मेरे ख्याल से x इज इक्वल टू 4a आ रहा है, तो ऑप्शन a इज एब्सोल्युटली करेक्ट। देवी उन सज्जनो आए या नहीं, कम ऑन एवरीवन, टेल मी इज दिस क्लियर टू यू, is this clear to you guys, is this clear how we got here, option a, kya 4a aa raha hai, aap log ka bhi answer clear hai, done 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 everyone, okay that's cool, okay that's fine, that's great, so guys I hope aap log jitna bhi abhi tak aaj ke session mein karaya aapko clear hoga। And guys, still I'm requesting you to, guys, जिन्होंने भी basic mathematics की classes नहीं किया, description में link पड़ा है, उनको जाके देखो, आप अपने differentiation और integration वाले part को पहले complete कर लो, बच्चों, differentiation और integration, अच्छा, एक second, कोई calculation mistake किया है क्या, एक second देख लेते हैं, रुको रुको देख लेते हैं, कोई calculation mistake है, क्या दिया है यहाँ पे, 4 4 16, अच्छा 16 divided by 8 करेंगे तो 8 आएगा, बिल्कुल सही, 8A आंसर है बेटा, 16 by 2 करोगे तो 80 आएगा ना, तो आंसर आप लोगों का डी है, ए नहीं है, बिल्कुल सही बोल रहे हो, ठीक है। सो गाइज जो भी जिन बच्चों के भी क्लासेस रह गई है बेटा पीछे से चेक कर लो, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक्स पड़े होंगे, जाके देख लो, ठीक है, एक एक करके पीछे से सारे लेक्चर्स अपने देखने स्टार्ट कर दो। कल बेटा हम लोग ग्राफ पढ़ेंगे, कल और परसों के लेक्चर में हम ग्राफ पढ़ने वाले हैं, और मैं आपको फिर से बता दूं, ग्राफ इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बिना ग्राफ के बेटा आपको बहुत ज्यादा दिक्कत पेश आएगी, ठीक है, तो ग्राफ को अच्छे से आप लोगों ने पढ़ना है, ग्राफ इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ओके। एंड वन मोर थिंग बच्चों, जो भी आप में से बच्चे इनरोल कराना चाहते हैं, जो लोग मेरे से फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं प्लस के कोर्स में, वो इस दिशा बैच में इनरोल करा सकते हैं, ठीक है, ये 16th of June से ही बैच लॉन्च हुआ, ज्यादा टाइम नहीं हुआ, तो आप में से जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट है वो इसमें इनरोल करा लेना, प्लस के सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं वो, एंड गाइस कोड आप ये यूज कर लेना वेद, ठीक है, दिस इज द कोड विच यू हैव टू यूज वेद, ठीक है, टू गेट 10% डिस्काउंट। एंड गाइस जब भी आप कोड यूज करोगे मेरे को जरूर इन्फॉर्म कर देने कि सर मैंने आपका कोड यूज करके एडमिशन लिया है, ठीक है, तो ध्यान रखना है। एंड गाइस सेशन को लाइक करो यार, अगर मजा आया है तो लाइक करो, ठीक है, स्पैमिंग को छोड़ दो, जिन बच्चे जो बच्चे स्पैमिंग करते हैं उनकी चैट को अपने एंड से आप ब्लॉक कर सकते हो, एंड चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को हिट करो यार, और बताओ अगर कोई दिक्कत है तो कल हम दोपहर में 2 बजे मिलेंगे, आप सेशन के लिंक को स्प्रेड कर देना, शेयर कर देना, बता देना बच्चों की कल से हम ग्राफ स्टार्ट कर रहे हैं। गाइस मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा, बट दिक्कत ये है कि 2-3 दिन से जो मैं लिख रहा हूं पीडीएफ में वो सेव नहीं हो पा रहा है, उसको मेरे को चेक करना है कि क्या इश्यू है, ठीक है, या तो मुझे नया एमएस ऑफिस डालना पड़ेगा, कुछ इश्यू है यार, ठीक है, पीडीएफ में शेयर कर दूंगा, बट जो लिखा हुआ पार्ट पोर्शन है वो उसमें आई नहीं, आई डोंट नो क्यू, बट मैं वीडियो शेयर कर दूंगा, ठीक है, तो वीडियो से आप लोग कॉपी कर लेना। एंड गाइज जिनको भी प्लस के कोर्स में इनरोल होना है इनरोल करा लेना है, ठीक है बच्चों, दिस इज द कोड विच यू हैव टू यूज टू गेट 10% डिस्काउंट। तो चलिए बच्चों फ्रेंड करते हैं, तो कल के सेशन में मिलेंगे, कल हम 2 बजे मिलने वाले हैं, तो जाते जाते सेशन को लाइक करो, शेयर कर दो यार, ठीक है, शेयर कर दो, फिलहाल तो सेशन के लिंक को, कल दोपहर में 2 बजे मिलेंगे, ग्राफ वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो चलिए बच्चों अभी के लिए बस इतना, विदा लेते हैं, बाय बाय, टेक केयर, हैव फन, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, एंजॉय, थैंक यू।